तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने बाइक खड़ी है हस्क्वर्ना की 401 न्यू लॉन्च है, न्यू अपडेट, बहुत सारा कुछ इसमें मिलने वाला है फीचर से रिलेटेड। यहाँ पे इसका प्राइस भी हो जाता है, एक शोरूम प्राइस 291,816 रुपीज़, ये आपका एक शोरूम प्राइस है। और अगर ऑन रोड में आप जाते हैं तो ये आपको लगभग पड़ जाता है 347,617 रुपीज़, ये आपका ऑन रोड प्राइस है। कीज यहाँ पे कुछ दो कीज कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे मिलता है आपको 399 cc का, मतलब 400 cc का इंजन जो काफ़ी पावरफुल देखने के लिए मिलेगा। कीज कुछ इस तरह का यहाँ पे लग जाएगा आपका, हैंडल लॉक वगैरह फंक्शन दिया गया, TFT मीटर कंसोल और सारा कंट्रोल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ABS ट्रैक्शन इधर देख सकते हैं, इसका कंट्रोलिंग दिया गया, उसको कैसे क्या एडजस्ट करना है क्या करना है सारा कुछ हम आगे आपको जानकारी देंगे। उसके पहले देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट से लुक वाइज कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपको हजार्ड लाइट का बटन इस जगह पे देखने के लिए मिलेगा, और हजार्ड लाइट जो फ्लैशर है ये ऑन हो गया। हेडलाइट सेटअप ये LED में लो बीम हाई बीम के साथ, मतलब DRL के साथ हेडलाइट सेटअप यहाँ पे दिया गया है LED में। फ्रंट मिडगार्ड प्लास्टिक फाइबर बिल्ड क्वालिटी ना काफ़ी बेहतरीन दिया गया, और ये जो सस्पेंशन आप देख रहे हैं ना इसको बोला जाता है USD फॉर्क, मतलब अप साइड डाउन। और यहीं पे अगर आगे बात कर लेते हैं हम ये टायर का साइज, तो मिल जाता 110/70 और 17 इंच स्पोक रिम के साथ दिया गया है, जिसका बटन ग्रिप में देखने के लिए मिलेगा, मतलब ये रोड पे और ऑफ रोडिंग के लिए दोनों में आप इसको ऐसे नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा, और रेडिएटर जो दिख रहा ना इस जगह पे ये लिक्विड कूल्ड में आती है, तो दोनों साइड से फैन देखने के लिए मिल जाएगा, एक इधर साइड से उधर साइड से। और यहाँ पे इसका डिस्प्ले जो दिया गया है ना 320mm का, जो काफ़ी बड़ा साइज होता है, और थिकनेस जो इसका डिस्प्ले का मिल जाता है 4.5mm का, जो काफ़ी बेहतरीन है। और देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाता है आपको वाइब्रेकार्ड 4 पिस्टन वाला कैलिपर, जो और भी इसका ब्रेकिंग ना अलग लेवल पे होता है, मतलब इतना तगड़ा ब्रेक परफॉर्मेंस इसका होता है ना, मतलब दो कैलिपर मतलब दो पिस्टन इधर से होता है, दो पिस्टन उधर से होता है, मतलब सिंगल यहाँ पे ये जो कैलिपर है सिंगल देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पे पिस्टन है 4 यूज हो गया, तो और भी बेहतरीन हो गया। और हस्क्वर्ना का यहाँ पे देख सकते हैं स्टिकर किया गया कुछ इस तरह का, टैंक पे आपको 401 लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, ग्लोसी ब्लैक डिजाइनिंग यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट देख सकते हैं, तो येल्लो कलर में स्टिकर भी किया गया है। फ्रंट विंडशील्ड वगैरह तो दिखा दिया, नंबर प्लेट ऑप्शन इस जगह पे हो जाता है, तो ऐसे तो लुक वाइज देखें ना काफ़ी प्यारी लग रही है, और आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कन्फर्म है कि बताना है। तो ये सारा कुछ हो जाता है। इंजन से रिलेटेड अगर बात कर लें तो यहाँ पे मिल जाता है सिंगल सिलेंडर इंजन 4 स्ट्रोक में 399 cc का, और 43 bhp का मैक्सिमम पावर, 39 Nm टॉर्क के साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे आपको बेहतरीन माइलेज तो पता ही है कि 400 cc के सेगमेंट में आती, बट यहाँ पे माइलेज आपको नॉर्मल ऐसे देखा जाए तो इकोनॉमी मोड पे आपको 25-30 कह सकते हैं माइलेज, बट अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। और साइड में आपको सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएगा इस जगह पे, जो एडजस्टेबल मिल जाएगा, और एडजस्टेबल सिर्फ रियर का नहीं है, ये मोनो सस्पेंशन है, साइड में ये भी मिल जाएगा USD फॉर्क, ये भी है, दोनों जो है एडजस्टेबल है, अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट आप कर सकते हैं। स्प्लिट सीट का ऑप्शन यहाँ पे ऐसे कह सकते नहीं है, कन्फर्म है कि है, पिलियन के लिए राइडर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल, इसमें बैठ के भी दिखाएंगे। बाइक E20 OBD2 कम ब्लाइंड के साथ BS6 जिसको बोला जाता है, अभी BS7 मतलब BS6 का फेज 2 है, तो समझ ही सकते हैं। एग्जॉस्ट आपको यहीं पे इनबिल्ट देखने के लिए मिलेगा, जस्ट रियर नीचे फुटरेस्ट के जस्ट नीचे फुटरेस्ट ना इसका देख सकता है। बिल्ड क्वालिटी वगैरह ना KTM की अलग लेवल पे होती है, ब्रेक पेडल वगैरह भी देख सकते हैं, मतलब बाइक में ना जिस हिसाब से प्राइस रहती लगाती है ना उस हिसाब से इसका बिल्ड क्वालिटी एक एक चीज़ ना काफ़ी बेहतरीन होता है, मेंटेनेंस वगैरह तो पता ही है आपको, तो ये हो जाता है। रियर आ जाता है, यहाँ पे आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर दिया गया, ब्रेकिंग सिस्टम जहाँ पे 4.5mm का थिकनेस, तो एक एक चीज़ का कंट्रोलिंग देख सकते हैं, यहाँ से अपना सारा कुछ जो है इसको सेट कर सकते हैं। सुपर मोटो रोड, ये सुपर मोटो दो मोड है, मतलब एक रोड में चलने के लिए, तो इसमें ABS जो है ना पीछे का आपका ऑफ हो जाएगा, सुपर मोटो में फ्रंट काम करेगा रियर का काम नहीं करेगा, ये सारा जो भी फीचर्स दिया गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से नीचे आ जाते हैं MTC, ये चीज़ हो गया मोटरसाइकिल 1, मतलब ये ट्रैक्शन 1 कर सकते हैं, इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑफ हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बैक, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये देख सकते हैं इजी शिफ्ट, ठीक है, ये ट्रैक्शन मतलब ये हो गया आपका क्यूब शिफ्टर, ये आपको ऑन रखना है या ऑफ रखना है, ये भी चीज़ यहाँ से सेट कर सकते हैं, सारा कंट्रोल यहाँ से कर रहे हैं, इसको ध्यान देना आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा,
इसको वन कर लेते हैं, ये देख सकते हैं रेड यूज, ये देख सकते हैं ना, ये जो है ना आपका 1000 किलोमीटर के बाद ही वन होगा, जो भी लॉक होती है तो पता ही आपको आरपीएम भी 6000 तक जाएगी, उसके बाद नहीं जाएगी। तो ये भी जो है रेड यूज होगी बाद में सर्विस होने के बाद। तो ये सारा कुछ यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल गया। आप सेटिंग में आ जाते हैं, यहाँ पे फेवरेट चेक कर सकते हैं, 1 2 अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, सारे देख सकते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। ट्रिप 1 स्पीड ये मिल जाता है, बैटरी ये क्या है, एक एक चीज़ देखना पड़ेगा आपको, ट्रिप डिस्टेंस वगैरह ये सारा कुछ फीचर्स यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है क्यूब सेलेक्शन, तो यहाँ पे आप डाउन ठीक है राइड मोड अपना सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट ये आ जाता है स्विफ्ट लाइट, ठीक है इसमें देख सकते हैं स्विफ्ट लाइट मेन्यू इज नॉट अवेलेबल बिलो, पता ही आपको क्या है, मतलब 1000 किलोमीटर के बाद जो वर्क होगी आपको उस चीज़ को क्लॉक एंड डेट यहाँ से आप अपना सेट कर सकते हैं, सेट टाइम डेट एंड फॉर्मेट 24 इसको आप नीचे 24 मतलब 12 का कर सकते हैं, ये चीज़ हो गया। बैक आ जाते हैं तो इस जगह पे मिल जाता है डेट एंड फॉर्मेट और यहाँ पे सेट ऑफ क्लॉक, फिर से बैक आ जाते हैं यहाँ पे आ जाता है यूनिट, यूनिट में क्या दिया गया डिस्टेंस टेम्परेचर, मतलब एक ही चीज़ यहाँ पे अपना देख सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट आ गया लैंग्वेज, तो वहाँ पे इंग्लिश यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम ठीक है, ये देख सकते हैं अपना आ गया, पढ़ सकते हैं अपना लैंग्वेज इटालियन वगैरह। बैक आ गए, अब बैक में देखा जाए इधर आपका क्या मिल जाता है, ये फ्यूल मीटर, इधर मिलता है आपको टेम्परेचर, गियर इंडिकेटर, किलोमीटर प्रति आवर स्पीड आरपीएम, किलोमीटर प्रति आवर यहाँ पे कितना बाइक अभी चली, ओडोमीटर, ट्रैक्शन, एबीएस, लो इंजन ऑयल, यहाँ पे स्ट्रीट रोड MTC1 मतलब इसको बोला जाता है आई थिंक ट्रैक्शन ठीक है। तो इतना सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, बाकी अगर कुछ छूट रहा है इसमें तो कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, जानकारी दे देंगे। और इधर तुमने बता दिया डिस्प्ले का सारा कंट्रोलिंग, इधर इंजन वगैरह ऑन ऑफ करने के लिए कलर जो है आपको एडजस्टेबल मिल जाएगा, अपने फिंगर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ब्रेक भी, तो ओवरऑल ये सारा कुछ हो जाता है यहाँ पे आपको। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका कि इसका इंजन से रिलेटेड, तो इसमें मिल जाता है आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन, जहाँ पे आपको मिल जाता है 399 cc का इंजन, और मैक्सिमम पावर का बात कर लें तो अप्रोक्स आपको 43 bhp का मैक्सिमम पावर और 39 Nm टॉर्क आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और बाइक का तो वेट वगैरह तो बता दिए, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13.5 लीटर का, जो माइलेज आपको अप्रोक्स 25 टू 30 के बीच में रहने वाली है। और ये सारा कुछ आपके ऊपर भी डिपेंड होता है कि किस तरह से आप राइड करते हैं, किस मोड में चल रहे हैं, और जैसे इकोनॉमी मोड पावरफुल बाइक है यहाँ पे इसका अच्छा खासा आपको पावर मिल रहा है, इस सिचुएशन में ना माइलेज थोड़ा बहुत आपके ऊपर भी डिपेंड करती है। और इसमें आपको स्लीपर क्लच और किक शिफ्टर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जो आप किक शिफ्टर को चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ से आपका मीटर कंसोल से आपको ऑफ हो जाएगा। तो ये सारा कुछ फीचर्स है जो आपको इसमें काफ़ी अपडेटेड देखने के लिए मिल रहा है। सस्पेंशन जो है यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाएगा पहला, दूसरा जो है ये आपका ये जो है ना दोनों USD फॉर्क ये भी एडजस्टेबल मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का दिया गया है, अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बाइक पे बैठ के देख लेते हैं कि मेरा जो हाइट है 5'7" है, 5 ft 7 in, उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो क्या आ जाता है नीचे, तो लगभग देख सकते हैं नॉर्मल है, मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगने वाला है कि अगर आपका हाइट लगभग 5 ft के आसपास भी है तो भी आप आराम से इसको राइड कर सकते हैं। अब हम बाइक का एक बार चेक करवाते हैं इसका एग्जॉस्ट नॉट कि कैसा होने वाला है, तो उसको बाइक को हम कर लेते हैं स्टार्ट, ये देख सकते हैं तो इसका एग्जॉस्ट नॉट जो है ना एक अलग पावरफुल जैसा आपको देखने के लिए लग रहा होगा, ये देख सकते हैं ठीक है ना। तो ये सारा कुछ हो गया। तो गाइस जिसका अगर रिव्यू कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट कर दें, और शोरूम का डिटेल्स आ रहा होगा बरियातू KTM, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। तो इधर लोकल साइड के कोई भी हैं तो आके विजिट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हर एक फैसिलिटी मिल जाएगा, जैसे आपका लोन प्रोसेस हो या तो कुछ भी हो, सेम डे चाहिए सेम डे आप आराम से प्रोसेस करवा के बाइक परचेज करके लेके जा सकते हैं, ये सारा कुछ हो गया। और अधिक जानकारी के लिए आपको शोरूम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आके विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे KTM का ऑलमोस्ट हर एक बाइक आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं विटपिलियन 250 या तो एडवेंचर 390, और इधर अगर आप आ जाते हैं तो इधर मेरा राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ड्यूक 390 200 और 200, उधर वहाँ पे देख सकते हैं 250 की थर्ड जनरेशन और 200 का नेक्स्ट कलर, बहुत सारा बाइक यहाँ पे अवेलेबल है। RC चाहिए तो RC अवेलेबल हो जाएगा,
तो ये सारा कुछ हो जाता है यहाँ पर इससे रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, और आपको कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कर दें। इस तरह का बाइक से रिलेटेड ना कंटिन्यू रिव्यू लेके आते रहते हैं। अगर आपको कोई अदर बाइक का चाहिए तो भी हम कन्फर्म के लेके आएंगे, ये भी डिमांडेड था, किसी का कमेंट आया हुआ था, तो हमने ये चीज़ अपडेट किया यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, आज का रिव्यू इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।